हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम। डियर किड्स, ये है आपका रिवीजन। हमने इसे प्रीवियस क्लास में भी इंग्लिश का रिवीजन किया था। मैंने आपको अपोजिट वर्ड बताए थे और पिक्चर्स नेम बताए थे। तो आज हम अपने रिवीजन में फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। यूज हैव और हैज को यूज करते हुए हम करेंगे। मैंने ये वर्क आपको क्लास में भी करवाया है। हैव और हैज को यूज करके हम लोगों ने ये फिल इन द ब्लैंक्स करे थे। चलिए एक बार फिर से हम लोग कॉपी में कर लेते हैं और सभी बच्चे इस वर्क को अपनी इंग्लिश की कॉपी में कंप्लीट करेंगे। चलिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या दे रखा है। फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है आई, और फिर यहाँ पे स्पेस है आई डैश 10 रुपी नोट। तो यहाँ क्या आएगा, आई के साथ क्या यूज करते हैं हम, हैव करते हैं या हैज करते हैं? आई के साथ क्या यूज करते हैं? हैव। क्या यूज करते हैं? हैव। तो हैव की स्पेलिंग बोलिए एच ए वी ई, हैव बोलिए एच ए वी ई, हैव। अब सेकेंड सेंटेंस दे रखा है हमें ही डैश अ पेन। ही डैश अ पेन, तो ही के साथ क्या लगाएंगे हम? ही के साथ हम हैज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैज का। ही हैज, एच ए एस हैज। देखिए मैंने आपको बताया था ही शी इट, इन सभी के साथ में आप किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। और हम हैव का यूज कहाँ करते हैं? जहां पर वी यू या कोई प्लूरल आता है, जैसे बॉयज काउस डॉग्स, इस तरह से कोई आता है तो उसके साथ में हम क्या यूज करते हैं? वी हैव, यू हैव, और भी किसी चीज, सभी और भी कई और है जिनके साथ में हम हैव हैज का यूज करते हैं, वो आप बड़ी क्लासेस में जाकर सीखेंगे। अभी हमें ये देखना है ही शी इट के साथ में हम हैज का यूज करते हैं, वी यू और कोई प्लूरल हो उसके साथ में हैव का यूज किया जाता है, और यहाँ पर कोई सिंगल हो उसके साथ में भी हम सिंगल पर्सन, सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल कोई थिंग हो तो उसके साथ में हम हैज का यूज करते हैं, और प्लूरल हो उसके साथ में हम हैव का यूज करते हैं। अभी यहाँ पर यू दिया हुआ है तो यू के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। वाई ओ यू, यू हैव, क्या आएगा? यू हैव। ठीक है, शी के साथ क्या आएगा? शी के साथ क्या आएगा? हैज, शी हैज, है ना? अभी आपको मैंने बताया ही हैज, शी हैज, इट हैज, या कोई सिंगल हो उसके साथ में हैज, वी यू प्लूरल हो उसके साथ में हैव। तो वी के साथ में हमें हैव का यूज करना है, एच ए वी ई, हैव। बस हम यहाँ पर आगे के जो वर्ड लिखे हुए हैं इन्हें देख लेंगे और उनके साथ में हम इन्हें, आपको याद रखना है कि आई है तो हैव, ही हैज, ही हैज, यू हैव, शी हैज, वी हैव, और आपको इस तरह से कंप्लीट करना रहेगा ना। आई के साथ में भी हम हैव का यूज करेंगे। यहाँ पर लिखा बॉयज, ठीक है, बॉयज मतलब प्लूरल हो गए। अगर एक लड़का होता तो हम बॉय बोलते हैं, मैनी है तो बॉयज, तो बॉयज के साथ हम अगर प्लूरल हो गया तो क्या लिखेंगे? हैव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैव, एच ए वी ई, हैव का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा आई के साथ में हम हैव का यूज करेंगे, ही के साथ हैज का, यू के साथ हैव, शी के साथ हैज, वी के साथ हैव, आई के साथ हैव, द बॉयज प्लूरल है इसलिए हैव। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स आपको ये आएंगे हैज और हैव का यूज करने के लिए, और एक फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे जिसमें आपको क्या यूज करना है, द, इन, ऑन, अंडर और नियर, ये यूज करना रहेगा। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कार इज येलो, तो यहाँ क्या आएगा? द, क्या आएगा? द कार इज येलो। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है ना, हमारी इंग्लिश की बुक में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया अच्छे से। द टेडी इज द चेयर, टेडी का है चेयर के ऊपर है, तो द टेडी इज ऑन द चेयर। ठीक है, सोहन इज द कार, सोहन का है कार के अंदर है, तो अंदर के लिए आता है इन, सोहन इज इन द कार। द कैट इज द टेबल, कैट का है टेबल के नीचे, तो हम यहाँ लिखेंगे अंडर, यू एन डी ई आर, अंडर। द कैट इज अंडर द टेबल। अब यहाँ लिखा है द काउ इज, काउ का है
द ट्री ट्री के पास में खड़ी है, तो पास के लिए आता है नियर, NEAR नियर। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना रहेगा। द कार इज येलो, द टेडी इज ऑन द चेयर, सोहन इज इन द कार, द कैट इज अंडर द टेबल, द काउ इज नियर द ट्री। तो आपको इस तरह से इन वर्क को कंप्लीट करना रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।